मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ईमानदारी के साथ मातृभाषा सिखाएं, समझाएं, उसी में उनको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें। वो मातृभाषा में जितने पक्के होंगे, दुनिया की कोई भी भाषा वो सीख लेंगे। हमारे हिंदुस्तान के बारे में अगर आप देखना चाहें तो देखिए, जितने महान वैज्ञानिक इस देश में हुए, सबने मातृभाषा में पढ़ाई की, इसलिए वैज्ञानिक हुए। ताजा उदाहरण देता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सबसे उच्च कोटि के वैज्ञानिक, उनकी 12वीं तक की पढ़ाई तमिल भाषा में हुई है, आपको मालूम। और जब उनको कहा गया कि आप इतने ऊंचे वैज्ञानिक कैसे बने, तो उन्होंने कहा 12वीं तक तमिल में पढ़ा, इसलिए इतना ऊंचा बन पाया। इस देश के एक और महान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, जिन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाकर इस देश को दिया। डॉक्टर विजय भटकर की 12वीं तक की पढ़ाई मराठी में हुई है, और वो कहते हैं कि मैं इतना ऊंचा संशोधन कर सका क्योंकि मराठी में सोचता हूं, इसलिए। प्रोफेसर एमजी के मेनन, उनकी पढ़ाई मलयालम में हुई है। प्रोफेसर स्वामीनाथन, उनकी पढ़ाई तमिल में हुई है। ये जितने उच्च कोटि के वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर सेठना, डॉक्टर भावा, जिन्होंने पहला परमाणु बम का इस देश में परीक्षण कराया, ये सब वैज्ञानिक मातृभाषा में से निकले हुए हैं। और मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, कॉन्वेंट से निकला हुआ एक भी विद्यार्थी इस देश के उच्चतम वैज्ञानिक पद पर आज तक नहीं पहुंचा। कॉन्वेंट में से जो पढ़कर निकले हैं ना, वो साइंटिस्ट नहीं बने, साइंटिफिक मैनेजर हो गए। साइंटिस्ट होना अलग है, साइंटिफिक मैनेजर होना बिल्कुल अलग काम। साइंटिफिक मैनेजर माने क्लर्क, क्लेरिकल काम वो ही कर पाते हैं, क्योंकि जो मातृभाषा में चिंतन नहीं कर सकते, वो मूल आविष्कार नहीं कर सकते, और जो मूल आविष्कार नहीं कर सकते वो वैज्ञानिक नहीं हो सकते। इसलिए मातृभाषा में पढ़ाइए, मातृभाषा में सीखिए।